हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। एक जरूरी सवाल किसी ने ये पूछा है कि बगैर वजू मोबाइल से कुरान शरीफ की तिलावत करना कैसा है? मोबाइल में देखकर बगैर छुए अगर कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और जब मोबाइल की स्क्रीन पर कुरानी आयात मौजूद ना हो तब भी बगैर वजू के मोबाइल को छूना जायज़ है, लेकिन जब मोबाइल की स्क्रीन पर आयतें कुरानियाँ जाहिर हों नुमाया हों तो उस वक्त उन आयात को बग़ैर वजू छूना जायज़ नहीं है। अगर वजू नहीं है तो बग़ैर छुए मोबाइल पर कुरान की तिलावत कर सकते हैं, और अगर हाथ लगाना चाहते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर तो बग़ैर वजू हाथ लगाना जायज़ नहीं है, वजू बनाने के बाद में स्क्रीन पर हाथ लगाया जाए। अल्लाह ताला आलम।